हेलो एवरीवन, मैं हूँ पूजा। स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा वर्माई किचन में। तो फ्रेंड्स, देखिए बहुत ही यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ बेसन से बना के तैयार करेंगे हम, और ये आपने कभी नहीं खाई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये रेसिपी, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम लेंगे एक गिलास बेसन। तो एक गिलास बेसन को इसमें डाल देंगे, को थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। ये मैंने छान लिया था फ्रेंड्स, तो इसको बेसन को अच्छे से छान लीजिए आप, क्योंकि कोई भी लम्स ना रहे हमारे बेसन में। और यहाँ पे मैं आधी चम्मच हल्दी पाउडर ले रही हूँ, और यहाँ पे आधी चम्मच चिली फ्लेक्स ले रही हूँ, और यहाँ आधी चम्मच नमक डालेंगे। तो हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मसालों को, और यहाँ पे पानी डाल के इसका अच्छे से घोल बना लेते हैं। एक घोल तैयार कर लेते हैं पतला सा, ज़्यादा थिक नहीं करेंगे, और इसमें कोई भी लम्स ना रहे। इस तरीके से हमें घोल तैयार करके रेडी करना है इसका। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे इस तरीके से इतना पतला करना है। ये देखिए, मैंने एक गिलास बेसन लिया था और यहाँ पे डेढ़ गिलास पानी डाल दिया इसमें। तो इस तरीके से पतला घोल इसका रेडी हो जाएगा। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। ये देखिए, क्योंकि तैयार हो गया है ये। आते हैं अपनी गैस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई लिया है, और इसमें ऑयल डाल देते हैं आधा चम्मच। ये देखिए, छोटा एक चम्मच है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, आप ध्यान रखिए सरसों का तेल ही यूज कीजिए, क्योंकि सरसों के तेल में बेसन की चीज़ बहुत ही टेस्टी बनती है। इसलिए मैं हमेशा सरसों का तेल ही यूज करती हूँ बेसन की रेसिपी के साथ। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ जीरा आधी चम्मच। तो जीरा का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है इस रेसिपी में। जीरा और आप हींग बहुत ही अच्छे से डालिएगा भरपूर। तो जीरा को हम अपने तड़कने देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑयल को जो है अच्छे से पका लेना है, क्योंकि ये सरसों का ऑयल है, इसमें स्मेल आती है। तो बेसन में नहीं तो फिर स्मेल आएगी अगर हम बेसन डालेंगे। और मैं यहाँ पे आधी चम्मच डाल रही हूँ हींग। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हींग को, और यहाँ पे जो हमने बेसन घोल के रखा था ये डाल देते हैं इसमें। और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे इस तरीके से, ताकि जो लम्स है हमारे साइड साइड में वो ना बन पाए इसमें। तो इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। और गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। तो इस तरीके से हम इसको पकाते जाएंगे। और गैस, ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, हमारे यहाँ शादियों में ये बनाते हैं। वैसे भी घर में भी बनाते हैं कभी, जो जिसको खाना होता है इसकी रेसिपी बनती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आज मैं वही बना के दिखा रही हूँ आपको। तो ये देखिए, इस तरीके से ये थिक होता जाएगा, और इसको लगातार चलाना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। तो इसको हमें लगातार इस तरीके से चलाते रहना है, ताकि तले पे ना लग पाए इसकी ये बेसन, और इसके लम्स भी ना बन पाए। इसे हम लगातार इसको चलाते रहेंगे, नहीं तो जो हमारे अंदर लम्स हो सकते हैं इसमें, और कढ़ाई में नीचे तले पे लग भी सकता है। तो हम इस तरीके से लगातार इसको चलाते रहेंगे। और फ्रेंड्स, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो इसको 5 से 10 मिनट लग जाएंगे पकने में। और यहाँ पे आप एक बात का ध्यान रखिए, बेसन जो है कच्चा ही लेना है आपको,
कच्चा ही बेसन घोलना है, नहीं तो अगर आप उसको भून लोगे तो आपका इस तरीके से जमेगा नहीं बेसन और रेसिपी ये अच्छी नहीं बनेगी आपकी। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, बेसन को कच्चा ही लेना है तभी ये टेस्टी रेसिपी बन के तैयार होगी आपकी। और इस तरीके से भूनना है इसको, बेसन को इस तरीके से भूनेंगे हम। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हमारा बातों बातों में ये पक के रेडी भी हो गया है और अच्छी सी खुशबू आ गई है इसमें से, अच्छे से बेसन को भून लिया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप ध्यान रखिए, हींग और जीरा का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, ये जरूर ही ऐड करें। अगर आपको मिर्ची पसंद नहीं है तो मिर्ची स्किप कर सकते हो, लेकिन हींग और जीरा बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी आपकी, नहीं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है हींग और जीरा का, तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। और लीजिए हमारा तैयार हो गया है घोल, तो हम इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है, अब इसको थोड़ा सा इस तरीके से चला लेंगे। यहाँ पे मैं एक केक टिन ले रही हूँ, आप चाहे तो सादा थाली होती है ना जो गोल वाली चौकोर कोई भी ले सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। तो इसमें मैं थोड़ा सा घी लगा लेती हूँ साइड में, घी इससे यहाँ पे ध्यान रखिए सरसों का तेल बिल्कुल भी यूज नहीं कीजिए, नहीं तो स्मेल आएगा बेसन के अंदर। तो अब जो हमने बेसन का घोल तैयार किया था वो इसमें ऐड कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जो है अपना बैटर केक टिन में डाल लिया है और इसको अच्छे से फैला देंगे इस तरीके से। चाहो तो आप हाथ की भी सहायता से कर सकते हो अगर गर्म नहीं है तो। ये देखिए इस तरीके से हाथ से थोड़ा थोड़ा इसको सेट कर देंगे। जैसे इसको जमा दिया है, अब इसको 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे, फिर इसके पीसेस कट कर लेंगे। तो लीजिए हमारा फ्रेंड्स थोपा हमारा तैयार हो गया है जम के, इसको 10 मिनट हो गए हैं, तो मैं इसको कट कर लेती हूँ इस तरीके से। आप जो भी शेप देना चाहें इनको इसको दे सकते हैं आप। तो मैं इसको डायमंड का शेप देने वाली हूँ, ये देखिए यहाँ पे। तो मैं इस तरीके से कट कर लेती हूँ, आप चाहे तो चौकोर भी दे सकते हो इनको। ये देखिए कितना बढ़िया और टेस्टी सा थोपा बन के रेडी हो गया हमारा। देखिए मैं एक पीस निकाल के दिखाती हूँ आपको, ये देखिए कितना बढ़िया जम गया है, लग रहा ना बिल्कुल मिठाई की तरह। ये देखिए कोई कहेगा इसको मिठाई नहीं है, ये विदाउट चीनी मिठाई। तो इस तरीके से मैंने ये पीसेस बना लिए हैं, अगर आप चाहो तो इस तरीके से भी खा सकते हो। शादियों में जो हमारे यहाँ बनता है वो इसी तरीके का बनता है और यही बनता है सेम। तो फ्रेंड्स आप अपने तरीके से पसंद के अनुसार कर सकते हैं छोटे बड़े पीसेस, मैंने डायमंड शेप दिया है, आप चौकोर भी दे सकते हो, तो बहुत ही टेस्टी बनती है इसकी रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी इसकी, बना के मैं आज दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ मैंने सेम कढ़ाई लिया है, यहाँ एक चम्मच मैं ऑयल ले रही हूँ, यहाँ पे जीरा लेती हूँ आधी चम्मच, तो यहाँ पे मैं आधी चम्मच हींग ले रही हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने मीडियम आकार का एक प्याज लिया था, इसको कद्दूकस कर लिया है, तो ये डाल देते हैं। तो प्याज को अच्छे से भून लेते हैं गोल्डन ब्राउन होने तक। ये देखिए इस तरीके से प्याज को हम अच्छे से भून के तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, तो इसको भी अच्छे से प्याज के साथ भून के तैयार कर लेते हैं। ये अच्छे से भून जाए और इसमें से अच्छी सी खुशबू आ जाए तब तक हम इसको भून के तैयार करते हैं। तो लीजिए हमारी प्याज और लहसुन भून के तैयार हो गए हैं, तो मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ, यहाँ आधी चम्मच मिक्स मसाला ऐड कर रही हूँ जो मैं घर पे प्रिपेयर किया था, यहाँ एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर और आधी चम्मच किचन किंग पाउडर डालेंगे, ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स, अगर आप डालना चाहो तो डालो वरना मत डालो। और यहाँ पे आधी चम्मच चिली फ्लेक्स,
यहाँ पे चिली फ्लेक्स की जगह चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने जो मिक्स मसाला ऐड किया ना, तो आप सादा मसाला से ही बना सकते हो आप रेसिपी। तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके और इसको अच्छे से पका लेते हैं मसालों को। ये देखिए यहाँ पे आधी चम्मच नमक ऐड कर देंगे, क्योंकि नमक हमने बेसन के साथ भी ऐड किया था, तो इसमें आधी चम्मच ही ऐड करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम मसाला को पका के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला जो है पक के रेडी हो गया है। हमें इसमें डाल देते हैं पानी, एक गिलास पानी डाल देती हूँ मैं, और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो एक गिलास पहले डाला था, एक गिलास ये है, टोटल दो गिलास पानी डालेंगे हम, और इसमें अच्छे से बॉयल आने देंगे। जी फ्रेंड्स, हमारा पानी में जो है बॉयल आ चुका है और पानी अच्छे से पक चुका है। ये देखिए 2 मिनट हो गए इसको पकते पकते। तो हम इसमें जो हमने बना के रखे थे ना पीसेस, तो हम इसमें पीसेस डाल देते हैं। इस तरीके से ये सारे पीसेस इसमें ऐड कर देते हैं। ये देखिए एक एक करके। तो आप जितना थिक रखना चाहते हैं इस पानी को, उतना थिक कर सकते हो आप पका के। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारी सब्जी जो है बनके रेडी हो गई है। ये देखिए इसमें धनिया की गार्निशिंग कर देते हैं। तो चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए, हमारी बनके रेडी हो गई है बढ़िया सी टेस्टी सी थोपा की सब्जी। ये देखिए, तो इसे आप भी ट्राई कीजिए ज़रूर फ्रेंड्स। यूपी में ये शादियों में बनाते हैं, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कैसी बनी है आपकी रेसिपी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।